लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुमत का अहंकार और बल यदि सफल हो गया तो क्या करोगे तुम? वो युद्ध शिविर सुमति का है, क्या तुम्हारा नया शिष्य वज्रसेन उसे पराजित कर पाएगा? अरे तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, उनकी कृपा पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है। उन्हीं ने उचित समय पर वज्रसेन को तुम्हारा प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है, अतः निश्चिंत रहो। देवादिदेव महादेव, हे शिव शंकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और मेरे शिष्य वज्रसेन को सफल करेंगे। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा परंपार है, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। अब हम तुम्हारे राजगुरु नहीं रहे राजन, और अब यदि तुम हमसे क्षमा भी मांगोगे तब भी हम त्यागा हुआ राजगुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन की घटना से मैं लज्जित हूं गुरुवर, आप ही के कोप का परिणाम है कि युवराज सुमति अपने युद्ध शिविर से अचानक अदृश्य हो गई। सेनापति वरुचि और सैनिकों का भी कोई समाचार नहीं है। इतने बड़े युद्ध शिविर से सबके सब अदृश्य हो गए? हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि किसी अत्याचारी ने सैनिकों को समाप्त कर युवराज सुमति का अपहरण कर लिया है। अवश्य ही मेरी पुत्री किसी घोर संकट में पड़ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुवर, कुछ उपाय करें जिससे। लगता है आपकी अहंकारिणी पुत्री का अहंकार किसी वीर पुरुष ने ध्वस्त कर दिया है, परंतु फिर भी आप उसे युवराज पद से विभूषित किए चले जा रहे हैं। तब तो आपकी आंखों के सामने से मिथ्या अहंकार का आवरण हट गया होगा राजन। इस समय मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव, मुझ पर दया करें, शब्द वाणों से मुझे वेदे नहीं। राजन, ये हमारे प्रति किए गए उस घोर अपमान का परिणाम है जो तुम्हारी अहंकारी पुत्री सुमति ने किया था, और आपने उसे प्रताड़ित करना तो दूर, उसे रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। आपने तो उसके उस कुकृत्य को बढ़ावा दिया था। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष होता राजन, तो आप दौड़े दौड़े यहां नहीं आते। मैं अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूं गुरुवर। इस समय मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है राजन, परंतु जिस प्रकार धनुष से निकला बाण अपने लक्ष्य को वेद कर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके कुकृत्य का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव, अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा कीजिए कि अपहरित पुत्री का समाचार प्राप्त हो जाए। पुत्री, पुत्री तुम कुशल से तो हो, कहां थी तुम? तुम्हारा उद्धार करने वाला ये वीर पुरुष कौन है? युवराज सुमति, क्या अब भी आप पर विश्वास किया जा सकता है? कहीं एक बार फिर आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगी?
वीर शिष्य वज्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। सुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर ही हम समझ गए थे कि तुमने किस प्रकार इस अहंकारिणी को वश में किया। राजकुमारी, यह हमारे राजगुरु धुरजटी हैं, जिनके बुद्धि बल का लोहा सारा देश मानता है। प्रणाम करो इन्हें। वज्रसेन, अब तुम उस कथा को विस्तार से सुनाओ कि तुमने किस प्रकार युवराज सुमति का अहंकार ध्वस्त किया। इनके पिता महाराज भद्रसेन उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। सुमति पहले ही बहुत अपमानित और लज्जित हो गई है गुरुदेव। उस घटना का वर्णन करके इसके हृदय को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। भद्रसेन, क्या तुम्हें उस आघात का ध्यान नहीं जो इस अहंकारिणी ने हमारे हृदय को पहुंचाया था? क्या तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो? हमें सुनना है कि वीरता का दम भरने वाली इस अहंकारिणी राजकुमारी की वीरता क्या मात्र शब्दों तक ही सीमित थी? हमें उस कथा को सुनकर शांति पहुंचेगी। वजह से जब मैं इनके युद्ध शिविर पहुंचा, सुमति अपने जादूकार सेनापति के साथ विद्याभ्यास कर रही थी। हर कोई इन्हें वीरांगना सिद्ध करने की होड़ कर रहा था। सुमति के प्रहारों से पीड़ित होकर सेनापति धूल चाट रहा था। मैंने वहां पहुंचकर द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती दी तो शिविर में बिना आज्ञा प्रवेश करने के दंड स्वरूप इन्होंने मुझे शिविर से निकल जाने का आदेश दिया। अब तुम जा सकते हो। आगे कहो, इस सुमति ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कैसे किया? बार बार प्रताड़ित करने पर इनका अहंकार जाना और इन्होंने एक निश्चय पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार किया। उससे पहले तुम्हें अपना निश्चय रखना आवश्यक था। उसी निश्चय का परिणाम है कि इस समय सुमति मेरे अधीन हो गई है। अपने ही वचनों के अनुसार ये मेरी धर्म पत्नी बनने के लिए विवश है। धर्म पत्नी? अर्थात द्वंद्व युद्ध से पूर्व तुमने इससे यह वचन लिया था कि यदि यह हार गई तो तुम्हारी धर्म पत्नी बनेगी और आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। हाँ गुरुदेव, आपका अनुमान सत्य की सीमा तक सही है। मेरी धर्म पत्नी बनने का निश्चय सुमति ने स्वीकार किया है, परंतु मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। पुत्री, क्या तुमने वज्रसेन का यह निश्चय स्वीकार किया था, ये जानते हुए भी कि इसके पिता हमारे घोर शत्रु हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। पिताश्री, कृपा करके आप मुझसे कुछ न पूछे। तुमसे पूछे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बताओ, तुमने वज्रसेन की धर्म पत्नी बनने का वचन स्वीकार किया था या नहीं? विवशता में सब कुछ स्वीकार करना होता है, इससे अधिक कुछ कहना मैं उचित नहीं समझती। यह सत्य है सुमति, तुमने मेरे धर्म पत्नी बनने का वचन अपनी पराजय से पहले स्वीकार किया था। बोलो, यह सत्य है या नहीं? मैंने कह दिया है, इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगी। एक अपमानित, पराजित और लांछित स्त्री को और कितना लज्जित करने के इच्छुक हैं आप? अपने ही दिए हुए वचन को स्वीकार न करना यह सिद्ध करता है राजकुमारी कि तुम्हारे मन में अभी भी प्रपंच है। वचन देकर भी तुम वज्रसेन को अपना पति स्वीकार नहीं कर रहे। ये माने या ना माने, सुमति को मेरे साथ विवाह बंधन में बंधना ही पड़ेगा। गुरुदेव, अब ये मेरे अधीन हो गई है, मैं सुमति को ये बात मानने के लिए विवश करूंगा। वज्रसेन, जब किसी का अहंकार खंडित होता है तो वो विवश होकर भी अपने अपमान का दंश नहीं भूलता। इस स्त्री से विवाह करके तुम्हें प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना होगा। वज्रसेन, मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव, परंतु आपकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम तुम्हें यही परामर्श देंगे वज्रसेन कि तुम सुमति से विवाह करो तो अपने गुरु के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए।
हमारे हृदय में सुलगती प्रतिशोध की आग तभी शांत होगी जब तुम सुमति को जन्म सीमा तक लज्जित और अपमानित करोगे। राजगुरु धुरचटी, इतने निष्ठुर और निर्दयी न बने। मेरी विवश पुत्री पहले ही अपमानित हो गई है, इसका कोमल हृदय खंडित हो गया है। कृपा करें गुरुदेव, शत्रु के साथ विवाह की विवशता से इसे मुक्त करें। सुमति को मेरे साथ जाने दें। कदापि नहीं, सुमति को अपने वचन का पालन करना ही होगा। यदि अब भी इसके मन में वीरता का झूठा अहंकार शेष है तो हम एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध में पराजित करेंगे। जो व्यक्ति वचन देकर पीछे हट जाए उसे बलपूर्वक विवश करना न्याय की मांग है। गुरुदेव, अब आप ही निर्णय करें कि हमें क्या करना है। न्याय की ये मांग है कि सुमति अपने वचन का सम्मान करे, और वज्रसेन की ये मांग भी न्यायोचित है कि यदि सुमति अपने वचन का पालन नहीं करती तो उसे पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए विवश किया जाए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, स्पष्ट करो। मुझ पर वचन भंग का झूठा आरोप ना लगाएं। मैं अपने वचन का परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? तो वज्रसेन की धर्म पत्नी बनोगी? कल्पना करो, सोचो, विवाह के पश्चात तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। जो आघात मैंने अब तक सह लिया है उससे वो दुर्दशा अधिक नहीं होगी। पिताश्री, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दे। महाराज भद्रसेन, आप अपनी लाडली कन्या के विवाह के प्रबंध आरंभ करें। सुमति और वज्रसेन का विवाह इसी आश्रम में होगा और हम स्वयं इनके विवाह विधि संपन्न कराएंगे। परंतु गुरुदेव। पिताश्री, आप विवाह में जितना विलंब करेंगे आपकी पुत्री को उतनी ही मानसिक यातना सहन करनी होगी। कृपा करके आप शीघ्र ही कन्यादान करके मुझे और अपने आप को इस दुविधा से मुक्त करें। मैं आपके चरण छूती हूँ। विधाता का कठोर हृदय तेरी ये दुर्दशा को देखकर अवश्य द्रवित हो जाए।
मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है वज्रसेन, परंतु तुम्हारी धर्म पत्नी ने मेरे आशीर्वाद का अधिकार खो दिया है। मैं बड़े से बड़े कष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप आशीर्वाद दें या अभिशाप, मुझे इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, अब ले चले मुझे यहां से।